हे दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में एएमयू के क्लास नाइन्थ के 2018 का पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पार्ट वन के बारे में चर्चा की थी, इसमें मैं पार्ट टू बताऊंगा, फिर पार्ट थ्री, यानी तीन पार्ट में एक साल का क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व करके बताऊंगा। मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं एएमयू के क्लास नाइन्थ के, उसमें साइंस के 35 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चंस होते हैं और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि कहीं भी आपको एग्जाम देना पड़े किसी भी फील्ड में, तो उसका पैटर्न्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पैटर्न्स नहीं जानेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है। साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 35 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी 35 क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद उर्दू है, हिंदी है और है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश, इसके आएंगे आपको 30 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको टू आवर्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, किसके, क्लास नाइन्थ के लिए। तो दोस्तों, पार्ट वन जरूर देखिएगा और पार्ट थ्री भी देखिएगा, इसमें पार्ट टू का डिस्कस करते हैं हम शुरू करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ, कंप्लीट डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने 30 क्वेश्चन पिछले पार्ट में करके आपको दिखाए थे, कितने, 30 क्वेश्चंस। इसमें मैं 31 से शुरू करूंगा, आपको एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा, और मेन कंसेप्ट में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, मेन कंसेप्ट जानना जरूरी, क्योंकि मेन कंसेप्ट से ही आपका क्वेश्चन बनता है। 31 नंबर में देखिए कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर है ABCD डिविजिबल बाई 11, तो इसमें डिविजिबल कौन किससे होगा ये जानना आपको जरूरी है। तो डिविजिबल वाला जितने भी क्वेश्चंस है इसका 31 का भी डी आंसर है, लेकिन कैसे आया है मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि कैसे आया है। अभी आप सिर्फ आंसर जान लीजिए, इस आंसर में आपको मेन कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा कि कौन से कंसेप्ट आपको बनानी है, उसको आप नोट्स बनाइए, जो मैं आपको लिखता हूं जिसका अंडरलाइन करूंगा उसको नोट्स बना लीजिए, फिर मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें आप क्वेश्चन पेपर देखिए, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए। तो 32 में कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन से आपको क्या पढ़ने हैं, अलजेब्रा क्या पढ़ने हैं, अलजेब्रा लिख लीजिएगा, अलजेब्रा आपको पढ़ने हैं, और 32 का जो आंसर है वो है ए। 33 में कह रहा है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर, आपको पॉलीगन पढ़ने होंगे, पॉलीगन मतलब एक तो चतुर्भुज होता है चार भुजाएं वाली, उसके बाद त्रिभुज होता है तीन भुजाएं वाली, अब पॉलीगन कह रहा है, पॉलीगन मतलब चार से ज्यादा, पांच भुजाएं वाली, छह भुजाएं वाली, उसको पॉलीगन। तो पॉलीगन आप नोट कर लीजिए, पॉलीगन आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 33 का वो है बी, राइट। और 34 नंबर कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसे बनता है ट्रेपेजियम, देख लीजिए ऐसे ट्रेपेजियम होता है, शेप फील्ड 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, वन पैरेलल साइड इज द, फाइंड द, क्या फाइंड करना है दोस्तों, देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब करके मिटा के आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, एक कंप्लीट डिटेल पता चलेगा, कंप्लीट नॉलेज होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। और उसी तरह 35 में आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, एरिया के बारे में है, क्या है, एरिया के बारे में, एरिया के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था कि आपको फाइंड द अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड निकालना है, तो 34 का जो आंसर है वो है बी आंसर है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं ट्रेपेजियम का कैसे आप एरिया निकालते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्वेरियम है इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, जो कि क्यूबॉइड के फॉर्म में है, जिसका एक्सटर्नल मेजर्स है 80 × 30 × 40, इसमें आपको क्या करना है कि एरिया निकालना है कलर्ड पेपर के। तो 35 का जो आंसर है वो है डी आंसर है, यानी दिस आंसर है,
8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम मतलब समझिए एक तालाब है, ठीक है, तालाब है जिसमें पानी होता है उसको एक्वेरियम बोलता है, जिसमें मछली पालते हैं। उसका डायमेंशन दे रखा, बेस साइड फेस और बैक फेस दे रखा, कवर्ड विद अ कलर पेपर, द एरिया ऑफ कलर पेपर को एरिया निकालना है। उसी तरह आप देख लीजिए, मतलब आपको इसमें कंसेप्ट जो लिखनी है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लिखना है एरिया, एरिया के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको ये पता चलेगा किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल देखिए, इसको आयत को रेक्टेंगुलर बोलते, ये रेक्टेंगल है। पीस ऑफ पेपर दिस है विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक सिलेंडर हाइट, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज, आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना आना चाहिए तब आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो 36 का जो आंसर है वो है सी। कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ पावर ऑफ, ये कैलकुलेशन है। 37 का जो आंसर है वो है डी है, ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी कैलकुलेशन हब वाले हैं। 38 का आंसर है बी, आप कैलकुलेट कीजिएगा। 39 में देखिए, इफ द वेट ऑफ द 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड, ये भी कैलकुलेशंस के हैं, इसको भी कैलकुलेशन मैं करके बताऊंगा। ऐसे 39 का जो आंसर है वो है डी, 750 आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मशीन है, राइट, एक मशीन है और वो जिसका इतने रुपीज वर्थ है, मतलब इतने रुपीज का है। अब उसमें कह रहा है कि डिफ्रेशिएट कर रहा है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रहा है 5%, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, यानी एक साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है, उस टाइप से फॉर्मूला होता है, तो ये भी नोट कर लीजिए, इसका भी मैं बताऊंगा। ऐसे 40 का जो आंसर है वो बी आएगा। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, और क्वेश्चन पेपर एक बार मिल गया तो आपको क्या होगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे, और जिसमें कठिनाई होगी उसके लिए मैं हूं, और उसको मैं सॉल्व करके डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना जरूरी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे 41 का जो आंसर है वो है बी है, 0, y। 42 नंबर कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा आप मार कर लीजिए, 42 का ए आंसर है। 43 है टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, ये प्रोबेबिलिटी का है। 43 का जो आंसर है वो ए आंसर है, 1/2। 44 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है टूगेदर रिजल्ट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये भी बहुत आसान होता है लेकिन आप समझ में आएगा तब भी आसान है, 44 का ए आंसर है। 45 का रेशियो प्रोपोर्शन पे है, आप लिख लीजिएगा रेशियो प्रोपोर्शन, इसको आप अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन कंसेप्ट है। 45 का जो आंसर है वो डी है। अब 51 नंबर देखिए, 51 नंबर आपको बताता हूं, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, वो पॉइंट जहां दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, दो पॉइंट जिसको मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहां से वो शुरुआत होता है। 52 कह रहा है एक ट्रेंगिल है जिसका सेंट्रोइड हमेशा डिवाइड करता है मीडियन ऑफ द रेशियो को, तो कितना इस टू उसका रेशियो होगा, उसके मीडियन के रेशियो कितना होगा, तो 52 का जो आंसर है 8:2:1। एक ट्रेंगिल है जिसका सेंट्रोइड है, ये ट्रेंगिल है, ये ट्रेंगिल है, जब इसको ये बीच में ये मिलेगा तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो रेशियो निकालना है, इसमें आपको त्रिभुज का कंसेप्ट लगेगा। 53 क्वेश्चन कैलकुलेशंस वाला है, इसमें 4x निकालना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू निकल जाएगा फिर आपको 4x निकालना है। 53 का आंसर है डी। 54 कह रहा है कि एक पिट है 5 मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर वाइड है, डग इन टू सर्टेन डेप्थ, इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट टू बी इतना, वट इज डेप्थ, यानी इसमें आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, एरिया नहीं वॉल्यूम। तो 54 का जो आंसर है वो आएगा ए। 55 क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 6, होल नंबर का डिफरेंस इतना, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ना, व्हाट आर द टू नंबर्स, 55 का जो आंसर है वो है डी। ये इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी हमने देखा ये सारे अलजेब्रा से रिलेटेड है, किससे, अलजेब्रा से रिलेटेड है, और अलजेब्रा के क्वेश्चन आसान होते हैं तब आपको समझ में आएंगे, तो सारे आसान लगेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 46 नंबर देखिए, पाइथागोर
पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच वन मेंबर 12 इज, पाइथागोरस थ्योरम होता है इसमें एक जो मेंबर है 12 है, बाकी पाइथागोरस थ्योरम किस पे फिट होगा। तो 46 का जो आंसर है वो है बी, इस पे फिट होगा, 46 का बी फिट होगा। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसमें क्या होगा कि 12 इक्वल टू होगा 35 स्क्वायर इक्वल टू 37 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। 47 जो कह रहा है इसमें क्या है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, इसका जो आंसर है 27 का वो है डी। कंसेप्ट इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि ये आप लिख के रखेंगे, जिसको मैं आगे वाले आने वाले वीडियो में इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 56 का देखिए, 56 कह रहा है 6 पाइप्स है रिक्वायर्ड टू फिल एन टैंक। इसमें क्या है कि इतने ये पाइप्स इतने दिनों में टैंक फिल करते हैं, तो टैंक वाले क्वेश्चन अलग से एप्टीट्यूड का मैं आपको बताऊँगा। वैसे 56 का जो आंसर है वो है सी, 1 घंटे 36 मिनट। 57 जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज, इतना परसेंट इंक्रीज करता है तो कितना परसेंट क्या डिक्रीज करेगा, इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। 57 का वैसा आंसर है सी, 50%। अब 48 देखिए, ये अलजाबरा पर बेस है, 48 का जो आंसर है आपको जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर निकल के आएगा, 48 का जो आंसर है वो है सी। 58 को जो आंसर है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस इफ वन इज द, तो आपको रेशनल नंबर जो दिया है इसका प्रोडक्ट दिया है, ये कैलकुलेशन पे बेस है। 58 का जो आंसर आएगा आप देख लीजिए, 58 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। 49 में देख लीजिए, कह रहा है कि ये इसमें आपको अलजेब्रा पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, 49 का जो आंसर आएगा ए आएगा, यानी एक आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया और क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है, अब आपको करना क्या है उस कॉन्सेप्ट को लिख के रखना है, और मैं आपको आने वाली वीडियो में सारे एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 50 नंबर कह रहा है कि 2 मीडियन है ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, द ट्रायंगल इज। 50 का जो आंसर है वो है बी, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का, 59 नंबर ये कह रहा है कि एक ट्रेडर है जो खरीदता है आइटम्स 32% ऑफ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है, आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख के रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। 59 का जो आंसर है वो है डी, 6.25%। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आंसर मैं बता रहा हूं, इस आंसर ही सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है, सिर्फ आंसर से काम नहीं चलने वाला है, आपको डिटेल में सॉल्यूशन जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ABCD से आपको कुछ ज़्यादा गेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ABCD से सिर्फ कुछ ज़्यादा गेन नहीं होगा, आपको इतना पता चल जाएगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन रट रहे थे कि हमें क्वेश्चन बताइए बताइए बताइए, इसलिए मैं सोचा चलिए आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर ये कह रहा है कि एक श्याम है डिपॉजिट करता है बैंक में, ये इंटरेस्ट से फाइंड द अमाउंट, ये इंटरेस्ट एंड बैंकिंग पे, तो 60 का जो आंसर है वो डी है। 61 का जो आंसर है वो है बी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर से है। 62 का जो आंसर है वो है डी, 6 सेंटीमीटर, इसमें क्या है क्यूब्स पे है, क्यूब्स क्या होता है ये देख लीजिए, ऐसा होता है क्यूब्स, ये है क्यूब्स आपके, तो क्यूब्स पे क्वेश्चंस जरूर कीजिएगा, मैं आपको करवाऊंगा सॉल्व करके। अब दोस्तों जैसे आप पहले आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद जैसे 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 आएगा, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में और आपको 35 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसमें सिर्फ 65 क्वेश्चन रहेंगे। अब दोस्तों आपको 63, 64, 65 आपको बताता हूँ क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसमें मीडियन मीन यानी आपको पढ़ना होगा स्टैटिस्टिक्स, इसमें 63 का जो आंसर है वो है डी, और 64 का जो आंसर है वो है डी, और 65 का जो आंसर है वो है बी, 65 का आंसर है बी। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के ये सारे क्वेश्चंस थे, रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशंस के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन थे, तो ये सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं हर एक टॉपिक को, हर एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल सॉल्यूशन के साथ दूंगा, कि आने वाले
जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे इस टॉपिक के वो ज़रूर आपसे बन जाएंगे, तो मैं आपका प्रिपरेशन कराऊंगा। इस ये तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर का है, इसमें सिर्फ ABCD ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन गलती होती है तो उसका कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा साइंस के क्वेश्चंस होंगे, 35 और क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, डिटेल हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।